ये वर्णन की हिस्ट्री में जो है गुज़श्ता 15 या 20 सालों के दौरान का ऐसा पहला वाकया है कि जो मरगंटाप में जो है, मरगंटाप से जो सर्दियों के दौरान जो लोग हैं वो वहाँ से सही सलामत जो है वापस पहुँचे होंगे, घर अपने अपने घरों में वापस पहुँचे होंगे, क्योंकि आज से पहले जितने भी लोग जो हैं जिन्होंने मौसम सर्मा के दौरान, बर्फबारी के दौरान इस दरे को जो है पार करने की कोशिश की, आज तक उनमें जो है बेशतर अफराद की जो है वो मौतें ही वाक़ हुई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 80 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बाद जो है ये वर्णमन के 6 जो लोग हैं वो सही सलामत अपने घरों को पहुँचे। मैं अगर आपको बताऊं कि मंगल की जो है सुबह जो है ये सभी जो 6 लोग थे ये गावरन से निकले थे अपने घर वर्णमन की तरफ, और आखिरी बार जो है इनका जो अपने घर वालों से जो रब्ता था वो लगभग शाम के 9 बजे मरगंटाप के से हुआ था, जिसके बाद इनका कोई अता पता नहीं था। जब गुज़श्ता दूसरे रोज़ जब इनके घर वालों ने जब ये इतला दी कि अभी तक जो है वो अफराद घर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया चाहे वो किश्तवाड़ की हो या अनंतनाग की हो या आला हुकाम जो है वो हरकत में आए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू किया। कल जब जो है इलाके में जो है मौसम मुसलसल ख़राब था, जिसके बाद जो है कल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया गया, और बताया ये जा रहा था कि इलाके में जो है मरगंटाप पे जो है कम से कम 15 फीट या से ज़्यादा या 20 फीट के करीब बर्फबारी है, जहाँ पे इनके बचने के इम्कान जो है बहुत कम बताए जा रहे थे। लेकिन अल्लाह की जो है कुदरत जो है उसके वो सब पे मेहरबान है, ये जो लोग हैं किस तरह से बचे। हमने जब इनसे बात की, जब ये लोग वर्णमन पहुँचे करीब लगभग दिन के 2 बजे जब इनसे हमारी बात हुई, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है लगभग 9 बजे 10 बजे के करीब जब ये क्या बोलते हैं मरगंटाप के जो वहाँ पे हट बने हुए हैं वहाँ पे ये पहुँचे थे, जिसके बाद इन्होंने जब इलाके में बर्फबारी ज़्यादा हुई तो इन्होंने बेहतर समझा कि हम इसी जगह पर कायम करें, और 2 रोज़ तक मुसलसल उसी उन्हीं हटों में जो है वो बैठे रहे। और जुमेरात को जब सुबह ये लगभग कोई 8 बजे के करीब इन्होंने जो है पैदल सफ़र जो है दोबारा से शुरू किया, और एक दिन का पूरा सफ़र करने के बाद ये शाम के करीब 7 बजे नाड़बलन इलाका जो है एक मकाम है उस जगह पे पहुँचे और रात को वहाँ पे कायम किया। और जुमे की सुबह जो है इन्होंने दोबारा से जब मौसम में दोबारा बेहतरी हुई तो इन्होंने दोबारा जो है वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, और लगभग करीब 2 बजे के करीब ये जो है लोग वर्णमन पहुँचे हैं। वहीं वहाँ पर जो है मुकामी लोगों ने इनका खैर मकदम किया है, और ज़िला इंतजामिया हो या आला हुकाम हो, पुलिस हो, सभी अफराद को जो है मुकामी लोगों ने शुक्रिया अदा किया। हमारी दूर दराज इलाकों के लोगों से, खासकर मड़वा और वर्णमन के लोगों से अपील है कि इन जो है रास्तों से गुजरने से जो है परहेज़ करें, और इंतजामिया के साथ रबते में रह कर ही अगर मजबूरी हो तो रात।